हेलो फ्रेंड्स, रश्मि की कुकिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ मिगोड़ों की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो कि बेहद टेस्टी और एकदम कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। वो भी खास ट्रिक के साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो ये खास ट्रिक क्या है, तो चलिए वीडियो में देखेंगे और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। मूंग दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा था, वो अच्छे से फूल गई है और मैंने इसके सारे छिलके नहीं उतारेंगे पानी के साथ में, इसमें छिलके काफ़ी हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम मिक्सी में इसको पीस लेंगे। और देखिए, साथ ही में मैंने हरा धनिया काट करके रख लिया है और 2 बड़ी साइज में मैंने लंबी लंबी प्याज काट ली है। और साथ ही 6 से 7 मैंने ले ली हैं हरी मिर्च और 4 से 5 लहसुन की कलियां और अदरक और 1 चम्मच मैंने ली है सौंफ। सौंफ से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है हमारे मंगोड़ों में। आपको अगर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक हम अपनी दाल को पीस ले रहे हैं। मैं 2-3 बारी में ये दाल को पीसूंगी, क्योंकि एक साथ पीसने से ये पेस्ट की तरह बन जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे तो दरदरी सी बनी रहेगी, जो कि हमें वैसी ही बनानी है। तो इसी तरीके से हम 2-3 बारी की अच्छे से पीस के रख लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, मैंने चॉपर ले लिया है, इसमें काफ़ी जल्दी सब्जियां कट पिट जाती हैं। तो आप भी इसका यूज़ करिए, काफ़ी तेज़ी से काम हो जाता है, बिना लाइट की है ये, बस धागा भर खींचने से ही काफ़ी जल्दी काम कर देती है। इसके बाद अब हम अपनी दाल को भी पीस लेंगे। तो देखिए, दाल मैंने थोड़ी मोटी दरदरी सी पीसी है, ज़्यादा बारीक नहीं की है। ज़्यादा बारीक करेंगे तो जो हमारे मिंगोड़े हैं वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे, जो कि सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा एकदम पानी सा छोड़ जाएंगे ये। और उसके बाद जो मैंने चॉपर में मिर्ची काट के रखी हैं उसको डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हम हरे धनिया और अब इसमें डालेंगे हम सौंफ को। और इसके बाद हमने डाल दी है इसमें प्याज। और देखिए, मैंने 1/2 छोटा चम्मच इसमें लाल मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक, 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया और अच्छे से चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर देंगे हम। आपको जैसा तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप लाल मिर्च कर सकते हैं। और देखिए, गैस पर मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। और तेल गर्म होने के बाद हम छोटे साइज में इसमें मिंगोड़े तोड़ देंगे। देखिए, तेल हमारा अच्छे से गरम है, काफ़ी अच्छे से गरम हो चुका है, तभी इसमें मिंगोड़े तोड़ेंगे, नहीं तो ठंडे तेल में जो मिंगोड़े हमने तोड़े तो इसमें तेल भर जाएगा और चिपक भी जाएंगे आपस में। तो अच्छे से गरम होने पर ही आप इसमें मिंगोड़ों को तोड़ें। तो देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद हमारे मिंगोड़े कुछ इस तरीके के बनकर तैयार हैं सर्व के लिए। अब हम इसमें प्लेट में सर्व कर लेंगे टमाटो सॉस के साथ। इसे खाएं और इंजॉय करें, काफ़ी क्रंची काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं हमारे जो मिंगोड़े हैं। काफ़ी यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतने क्रंची बने हैं ये मिंगोड़े कि आपके बच्चे बच्चे की जुबान पर इसका स्वाद चढ़ जाएगा, इतनी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।